हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्प्लीटली मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन नोटिस जो आया था यूजीसी नेट का एनटीए की तरफ से, उसके बेस पे बात करूंगा। अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताऊंगा आपको। आपको मैं कम्प्लीटली ऑफिशियल यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक कॉमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ मेरे एक वीडियो के नीचे, जहाँ पे लिखा था सर दैट आई बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी एंड इफ आई आई हैव अप्लाइड फॉर जारिफ एंड नेट, सपोज इफ आई गेट 40% देन आई विल गेट नेट सर्टिफिकेट। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने, और यही क्वेश्चन मुझे दो चार बार व्हाट्सएप पे भी पूछे जा चुके काफी लास्ट कुछ टाइम से। तो मुझे लगा छोटा सा वीडियो क्लिप बना के आपको बता देना चाहिए। गाइस देखिए, एनटीए जो रिजल्ट डिक्लेयर करता है ना, वो उसका कुछ एक प्रोसेस होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को समझ लेते हैं, और गाइस इस कंप्लीट प्रोसेस को मैं आपको समझा दूंगा एक बार। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट मिलते रहें। तो गाइस देखिए, जो एनटीए ने नोटिस इशू किया था, अभी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया था, तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स लिखे हैं। स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड टोटल स्लॉट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6%। यहाँ पर जो टॉप 6% स्टूडेंट होते हैं उनको ही नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेप टू क्या होगा, द टोटल स्लॉट शैल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर, अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है इन टॉप 6% के अंदर जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको इस तरीके से एलोकेट कर दिया जाएगा अलग अलग कैटेगरी में, जैसे लाइक जनरल एस सी एस टी ओबीसी करके। तो स्टेप टू हो गया। स्टेप थर्ड जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइज, दैट इज की जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इस एग्जाम को आपको क्रैक करने के लिए मिनिमम जो स्कोर करना पड़ेगा दैट इज 40% अग्रीगेट मार्क्स इन बोथ दी पेपर्स, पेपर वन प्लस पेपर टू, दोनों का मिला के आपको मिनिमम 40% स्कोर करना ही पड़ेगा, और 35% स्कोर करना पड़ेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। देन अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो आपका नाम आ जाएगा उस लिस्ट में, जिस लिस्ट में टॉप 6% बच्चों को चुना जाना है, जो कैंडिडेट्स होंगे उनको चुना जाना है नेट के लिए। तो गाइज इस लिस्ट में आने के लिए आपको ये 40% जो है मिनिमम लाना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं। स्कूल में जब आप 100 नंबर का पेपर देते थे मैथ का, याद करो 33 नंबर वाला पास हो जाता था, तो इसका मतलब आप पास हो गए, लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। कॉलेज की कट ऑफ जाती थी ना, 80% कट ऑफ गई, 90% कट ऑफ गई, तो उस कट ऑफ को आपको क्रॉस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन दी कॉलेज। तो कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आपको कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन स्कूल में पास होने के लिए आपको मिनिमम 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये बस सेम वही है कि मिनिमम आपको 40% लाने ही पड़ेंगे। इसका मतलब है कि आप उस एग्जाम के अंदर उस लिस्ट में आ गए हो जहां पर, जिस लिस्ट में टॉप 6% स्टूडेंट चुने जाने हैं। तो गाइस इस तरीके से जो आपका रिजल्ट बनता है। अब आपकी कट ऑफ कितनी जाती है ये आप एक बार देख लेना, प्रीवियस ईयर की 2021 की देख लो, 2019 की देख लो, 20 की देख लो, इससे आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि आपके सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जाती है। और जो कट ऑफ की पीडीएफ है वो हमारी एंड्रॉइड ऐप में अवेलेबल है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली गूगल कर सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएगी। तो गाइज ये क्राइटेरिया था नेट का क्वालिफाई करने का, और ये इस तरीके से जो एनटीए यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर करता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर परसेंटाइल के बेस पर रिजल्ट आता है, आजकल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर भी वीडियो बनाए तो कमेंट कर देना, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए क्रिएट कर दूंगा, ताकि नॉर्मलाइजेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। और गाइज देखो, यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्लान्ड वे में तरीके से एग्जाम टारगेटेड में स्टडी करोगे तो पहले ही अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो गाइज इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड। यहाँ पर हम आपको कम्प्लीट पेपर वन, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं गाइज। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है हमारा, एनटी क्वेश्चन आसन पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है, और मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं। गाइज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को पता चले कि किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट का डिक्लेरेशन किया जाता है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी ऑफर चल रहा है, अगर अभी आप लेते हो कोर्स तो न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। इसके लिए आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है न्यू 2023 करके, तो फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, और जो आपका जो कोर्स है वो आपको मिनिमम फीस में आपको मिल जाएगा।
आपको सिंपली ऐप इंस्टॉल करने के बाद स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद कोर्स ओपन करना। कोर्स ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर दिख जाएगा कूपन कोड new2023 करके। जैसे अप्लाई करोगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।